मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो। आईपीएस प्रोबेशनर्स को सह प्रधानमंत्री को आलोचना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे 144 थेली आईपीएस ऑफिसर को मोदी का पत्र, आईन कानून माध्यम रे अपराधी को सह लड़बा को परामर्श। पुलिस रे महिला को भागीदारी बढ़ुथबा कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबुज शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी प्राथमिकता, राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस रे 3 सबुज शक्ति प्रकल्प को अनुमोदन, 1084 लोकों को मिल निजुक्ति। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को मिला लाभ। स्मार्ट सिटी पर सिल्वर सिटी रे चिंता बढ़ाला डेंगू। कटक सहर में 8 डेंगू रोगी चिन्हट, आक्रांत होती कंटाक्ट ट्रेसिंग। डेंगू सचेतन करने ट्विन सिटी में महानगर निगम सचेतनता कार्यक्रम। गत 3 मास राज्य को कम सार मिलता नहीं केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री का चिठी। केन्द्र तथ्य ओडिशा रे उपलब्ध अच्छी पर्याप्त सार, राज्य में चली सारर कला बजारी, रास्त चाषी प्रतवाद जारी। यूपीएससी आईएएस और आईएएस परीक्षा में ओडिया छात्र प्रभात दास को सफलता, ट्वीट कर शुभेच्छा जनइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। प्रभात को सफलता ओडिशा युवपीढ़ी को प्रेरणा जोगाइबो बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र। गुणिगारेडी सन्धे तुम्ल कांड, पारलाखेमुंडी सुभाषनगर अभाव्य घटना, घरे पशिले लोकों निर्जु माड़ मार सहित भांगे आसबावपत्र। पुणि 68 जीवन नेला कोरोना, अनुगुल सर्वाधिक 8 मृत, सेपटे 24 घंटार 1578 नुआ पजिटिव चिन्हट। राज्य में एबि 16384 आक्टिव केस। आज आसिबो राज्य सरकार को कोरोना गाइडलाइन, अपराह्नरे घोषणा करिबे एसआरसी। अगस्ट मासरे संपूर्ण अनलॉक होइ न पारे ओडिशा, कोरोना स्थिति देखि डीएम मीटिंग को आकलन। आईपीएस प्रोबेशनर्स मानों को सह आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी रे आईपीएस प्रोबेशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोचना करिछन्ति प्रधानमंत्री। 144 जन ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री मंत्र देइछन्ति। पुलिस रे महिला को भागीदारी बढ़ुथबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। यूपी रु अरुणाचल और बिहार रु केरल आईपीएस को प्रधानमंत्री आईपीएस मानों को सहित प्रधानमंत्री मोदी आलोचना करिछन्ति। प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारियों को अनेक प्रश्न पचारिथिले एवं सेमानको ठारु परामर्श लोडिथिले। प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी मानको कहिछन्ति जे आपणकर युव नेतृत्व देशकु आगकु नेबो। मैं आपका अभिनंदन करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं इस संवाद कार्यक्रम को। आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं, आपको जो ट्रेनिंग मिली आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी और आप पिताजी कंपेरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर।
भुवनेश्वर परे कटक रे एबे चिंता बढ़ाइलाणी डेंगू। कटक सररे एबे 8 जणा डेंगू रोगी चिन्हट होई एसीबी मेडिकल रे चिकित्सित होउछंती आउ समस्तंकर कांटेक्ट ट्रेसिंग करा जाउछि। किछि रोगी को भुवनेश्वर लिंक रहिछि एसीबी रे डेंगू रो स्वतंत्र वार्ड करा जाइछि बोली कहिछंती सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी। डेंगू सचेतन करबा पई कटक महानगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को नेतृत्व रे एक टीम करी कटक रो विभिन्न वार्ड रे सप्ताह रो 2 दिन सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि। सेई क्रम आज चोप्रार 41 नंबर वार्ड रे डेंगू रो निराकरण पई माइक चोके प्रचार करा जाय सचेतन कार्यक्रम करा जाय छे। ड्रेन रे मसा तेल और ब्लीचिंग पाउडर पका जाय छे। सेपटे थोरिया साही अंचल रे विभिन्न स्थान रे रोड उपरे ओली आवर्जना गद्दा होई पड़ी रहउछि आ ड्रेन सफा करा जाउनी। मसा तेल और मसा धुआं दिया जाउनी बोली स्थानीय लोके अभिजोग करिसेंते। जेउ जेउ स्थान रे मसा तेल और ब्लीचिंग पाउडर पड़िनी तासह मशा धुआं छोड़ा जाएनी से सब अंचल रे खूब शीघ्र मशा धुआं तेल व्यवस्था करा जीव बोली कहिसेंती सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी। ना ना देखंतु प्रत्येक वार्ड रे एटा होची वीकली प्रोग्राम हमर फाइलेरिया इयर त निश्चिंत भाव रहूची। जदि कोनसी कोन गोटा रहियो त से अलग कथा किंतु हमर पूरा तांगर वीकली प्रोग्राम रहूची। तनु आज एनाळ हला माने पुन 7 दिन पर से एनाळटा ही सफा हबो तेल पड़ब घंटा हम सफा हम कहीं गोटे अंडारू आडल्ट हाँपू 10 डेज लगे तेणु आम 7 दिन थे करदे से अंडाटा वृद्धिप्राप्त हुए ना। मशा धुआं तो बर्तमान स्टार्ट हम जेहेतु आमर क्लस्टर में केस बाहरी ना एमती गोटे गोटे मात्र कोट कोट तेणुक फगिंगटा आरंभ होनी जदि आम क्लस्टर में आरंभ हुए केस बाहर तेल आम फगिंग स्टार्ट हो मात्र 8 अच्छे 8 4 5 जो मैंने भूल नंबर सब देखते ट्रेस कर पारू जो दु तीनोटी बाहरी ट्रेस कलु आम से सब भुवनेश्वर कंटाक्ट अच्छे हिस्ट्री मैंने भुवनेश्वर से ज्वर होती बंधु बांधव घर आसीबी आसिक एडमिशन होती भल हो पल। विश्वजित दास कटक प्रतिनिधि बाबद सविशेष आलोचना सहित जोड़ विश्वजित ट्विन सिटी परे सिल्वर सिटी को व्यापिलाणी डेंगू यारे मध्ये 8 जण रोगी डेंगू रोगी चिन्हट हेलेणी सिल्वर सिटी कटकरु। बीएमसी अर्थात सीएमसी पक्षरु कौन सब पदक्षेप निया जायछे लोकंको सचेतनता कथा कुहंतु किंबा जो सफे कार्यक्रम बाबद कौन सीएमसी पक्षरु पदक्षेप निया जायछे। निश्चित भाव देखु भुवनेश्वर पर कटक 8 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती से पाखापाखि 3-4 जन सुस्थ हो घर फेरी आउ अन्य बेसबी ट्रिटमेंट होती बोली स्वास्थ्य अधिकारी सीएमसी सूचना दौले कि कंट्राक्ट हिस्ट्री जहाँ भुवनेश्वर कहते हैं भुवनेश्वर रोते भुवनेश्वर ज्वर है कटक आटक ट्रिटमेंट होती से नंबर भूल रही जेहेतु जना पड़ूनि से मैंने कौ अंचल बोलिकी कटक बोली मतलब जना पड़ी कि जो कंट्राक्ट ट्रेसींग जना पड़ी क्यों अंचल आसते क्योंटि रोते से सब जना पड़ी बोली सूचना रही कि बड़ कथा हूँ जो 8 जन डेंगू रोगी चिन्हट होते हैं बेसबी चिकित्सा होती 2-3 जन लोक रोगी सुस्थ हो घर फेरी अंपटे आज जानते जोब्रा अंचल आज आवेरनेस कार्यक्रम करजे स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रही है अंगनवाड़ी कर्मी आशाकर्मी समस्त उपस्थित रही है सेठार कि ब्लीचिंग पाउडर पका जाता है सहित मशा तेल पका जाता खूब शीघ्र फगिंग आरंभ हो स्वास्थ्य अधिकारी सूचना दौले जो अंचल अलिया उठा जाऊनी फगिंग कर तेल पका जाऊनी से अंचल खूब शीघ्र व्यवस्था कर आउटे बड़ कथा होती है एसीबी स्वतंत्र वार्ड कर डेंगू रोगी डेंगू वार्ड जो थे 30 बेड रही जेहेतु डेंगू रोगी संख्या वृद्धि पाऊँ से एसीबी स्वतंत्र वार्ड कर आईसीयू व्यवस्था कर बड़ कथा हूँ जो कटक विभिन्न वार्ड जो रही से सब वार्ड में स्वास्थ्य अधिकारी मैंने पहुँचुंट आवेरनेस कर लिफलेट बांटुं लोक सचेतन करोटी पा जमुची किभली पा जमी से लोक बुझा जा सहित माइक जोगे प्रचार करश्चित भाव में यह सबू कथा करने द्वारा लोक सचेतन हो जहा जा पदक्षेप ना कथा सीएमसी ने बड़ कथा हूँ जो जो अंचल अलिया गदा रही है सकाल आम देखा अलिया गदा रही है लोकों अभोग था सेठे मसा तेल पड़ूनि मशा धुआं दि जाऊनी से सबको व्यवस्था कर सीएमसी अधिकारी सूचना देखते बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित दास कटक प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे जहाँ से कहते जो भाई भाव 8 डेंगू रोगी बर्तमान पर्यंत कटक चिन्हट हेले निहाती चिंताजनक कथा तेज सीएमसी अनेक पदक्षेप हाथ को नहीं तेज केमी से रोक लगाऊ दिगरे के दिगरे कार्य करजर रहा।
परवर्ती खबर को आसीबा बीएमसी पक्षरु आरंभ होइछे डेंगू सचेतनता कार्यक्रम घर घर बुली लोकमानंकु सचेतन करा जाउछि डेंगूर लक्षण सह निराकरण उपरे मध्य प्राधान्य दिया जाउछि बस्ती एवं राजधानी रो चारटी जोन रो सबु वार्ड रे डेंगू सचेतनता रथ बुली करुछि सचेतनता या सह तीन दिन मध्य राजधानी रो 67 वार्ड रे मशा धुआ स्प्रे कराजुबा सह जेउठी परिमल व्यवस्था खराब थिबो सेठाकर परिमल व्यवस्था रे किपरि सुधार आसीबो से उपरे गुरुत्व दिया जाउथिबा कुआ जाय निजर परिवेश को परिष्कार रखंतु निजे परिष्कार रहंतु एवं एही परिवेश सफा करिवारे आमे आपन सहित सहयोग करचू तणु जहार दरकार आम सहित आलोचना करंतु आमे भी तांको सर तांकर भागीदार होबू एवं भागीदारी रे भुवनेश्वर को नुवा दुनिया देखैबू प्रतिषेधक मूल हिसाब रे आमे धुआं दउचू फॉगिंग करौचू ता सहित आमे विभिन्न जगार जो स्पॉयल पानी फाणी पड़ी रही लिक्विड पकाउ जोगुड़ा एंटीटक्सिक रोचे जहाँफल कि मशा तैयारी भी से मरीज देखु ग्रे एरिया जो सब अच्छी म्युनिसिपैलिटी ता भितर बस्ती रोचे आमे जदि टाउन सहर अंचल बुलूवा आमर किसी विशेष परिवर्तन हला भाया देखा से आम पिकअप विभिन्न ग्रे एरिया जोटी आमर किना कि अभाव रही जा लोक मान सतर्कतामूलक कमर अभाव रही जो माने डेंगू रो पोटेंशियल सोर्सेस अच्छी ताकू कि भली भावे आइडेंटिफिकेशन एवं नष्ट करा जीवो ता सहित तो आमे मैसिवली गोटे अवेयरनेस ड्राइव मध्य स्टार्ट करूछु आज थारु जो थे आमर एसएचजी महिला माने अछंती स्वच्छ साथी स्वच्छ सुपरवाइजर माने अछंती एवं ता सहित तो एनजीओ माने मध्य आम सहित तो जड़ित होइछंती जो थे से माने फॉगिंग मध्य आमे जो विभिन्न स्थान रे करूछु तो मु भाबुछि निश्चित भावे लोकों को पाखकु जो डेंगू रो सचेतनता रो मेसेजटा पहुँची पारे जदि बीएमसी पहुँची पार प्रत्येक हाउस होल्ड पाखरे मु भाबुछि लोक सचेतन हेबे एवं जो डेंगू पोटेंशियल सोर्सेस अच्छी ताको हमें नष्ट कर डेंगू को नहीं सचेतनता कार्यक्रम होता बेले राजधानी उपकंठ में डेंगू आतंक देखाई जटणी अंचल दुईजन डेंगू रोगी चिन्हट होता गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ऑफिस पक्ष सूचना दी जाए अंपटे कोरापुट जिला बंधुगा ब्लक में डेंगू और मलेरिया ज्वर को नहीं परिस्थिति बड़ जटिल ब्लक बड़ सरपुली सान सरपुली गाँव में पखापाखि 300 घर मध्य प्राय 40 घर जड़े कि दुईज लेखाएं डेंगू और मलेरिया रोग से आक्रांत होता जमापड़ राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी रे 2083.88 कोटी टंकार पुंजनिवेश को अनुमोदन मिली जहां मध्य रही तीनोटी सबुज शक्ति प्रकल्प देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबेले सबुज शक्ति उपरे गुरुत्व दे आसुतिबारु एहा संभव हो पारिछि तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशावासी को यार लाभ मिली फलस्वरूप इंडियन ऑयल पक्षर बालेश्वर वागलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट 870 कोटी निवेश एथनॉल प्लांट जार उत्पादन क्षमता दैनिक 500 किलो लिटर से परि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षर नवरंगपुर उमरकोट रे 500 कोटी निवेश रे 500 किलो किलो लिटर एथनॉल प्लांट प्रतिष्ठा हेबो से परि अनुकूल जिलार बंतला रे न्यू वर्ल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पक्षर 125 कोटी निवेश रे एथनॉल प्लांट एवं कंप्रेस बायो गैस प्लांट प्रतिष्ठा करा जिवो ए तीनि प्लांट रे 1084 लोकों को नियुक्ति मिलिबो भुवनेश्वर बीजेपी रो प्रेस मीट आसुचि सदास्य करै चलछु फोटो को सेटि थुआ हेतला ता प्रति जो असम्मान प्रदर्शन कराय छि फोपडा फिंगा करा जाय छि ता अत्यंत दुर्भाग्यजनक जहा कि संविधान एवं संविधान प्रणेता बाबा साहेब प्रति एक गुरुतर अपमान ये विषय को आपण मानक आगे आज उल्लेख करेंगे आमर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चार प्रदेश अध्यक्ष पूर्वतन सांसद माननीय डॉक्टर विभु प्रसाद तराई महोदय एवं ये सांबादिक सम्मेलन उपस्थित अच्छा साधारण संपादक अनुसूचित जाति मोर्चार माननीय राघव मल्लिक महोदय एवं अन्यतम राज्य संयोजक डॉक्टर रवि मेहरा मध्य महोदय तेणु मु डॉक्टर विभु प्रसाद तराई को अनुरोध करुच्ची आज सांबादिक सम्मेलन में ये विषय को उपस्थापन करने आज ये जो सांबादिक सम्मेलन टी अनुष्ठित होजे आम गणर अच्छा आमर अनुसूचित जाति मोर्चार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभ्य
तथा भारतीय जनता पार्टी आगधाड़ी नेता दिलीप मल्लिक महोदय आमर साधारण संपादक राघव मल्लिक महोदय एवं संयोजक रवि बेहरा महोदय एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया समस्त सांबादिक बंधुगण आज जो प्रसंगे ये आलोचनाटी सांबादिक सम्मेलन डकाही दुईटी कथा आमर उपकूलवर्ती जिला आज विशेष करके जगत सिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा ये दुईटी जिले में वर्तमान दलित लोक मान जो आक्रमण एवं आक्रमणकारी होती शासक विजु जनता दल नेतृत्व तांकर समर्थक ये आक्रमण कलापर मध्य आज शासक दल तांकर विरुद्ध कौन सी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना पुलिस एतला आधार रे मकदमा रुजू करिथिले मध्य आसामी मानक गिरफ करूना तार कारण होची से मैंने शासक दलर समर्थक एवं स्थानीय शासक दलर जो मैंने विधायक अच्छा प्रभावशाली ढंग से सेने पुलिस की निज कब्जा रखिंट आम गला आमर राज्य अनुसूचित जाति मोर्चार एक टीम आम जगत सिंहपुर नाउगाम ब्लॉक आगे से धारणा दे महिला माने एवं पुरुष माने तांको पाखकु जाइथिलु गला 27 तारीख दिन एक बर्बरोचित आक्रमण से मानक उपर हिछि एवं आक्रमणकारी होउचंती सेठी जणे सरपंच अछंती तनुलता बारिक तांको पुओ मिट्टू बारिक एवं तांकर अन्य सहयोगी माने गला 27 तारीख राति दीटा बेले ये जो मैंने धारणा स्थल बसी दलित महिला एवं पुरुष माने से माने अतर्कित भाव आक्रमण कले मारणास्त्र को लेकिन टणाउटरा कर अकथन अश्राव्य भाषा गाली गुलज कर सहित सबुठू दुख परितापर कथा आमर संविधान प्रणेता एवं भारतवर्षर महान जननायक भारत रत्न डॉक्टर बी आर आंबेडकर जो फोटो थिला ताकु से माने फिंगा फुकड़ा करिचंती दली मक्ची देइचंती ये अवस्था थिला बेले सेठी रीना कांडी बोली जणे सेई महिलांको भितरु ये आसामी मानको विरुद्ध रे एतला देइचंती एतला देइ सारले देइथिले मध्य केस हेइथिले मध्य ये आसामी माने गिरफ हेइनांती अपरंतु एमाने समस्त दलित महिला होता बेले आमर दलित निर्यातना निवारण आईन अनुसार प्रिभेनसन अफ आट्रोसीटीज आक्ट अनुसार जो 3SC/ST आक्ट लगवा कथा ये दलित महिला को अश्राव्य भाषा जाति के नहीं कि आक्षेप कर जो कथा अच्छे सी अनुसार पुलिस मध्य से दफा लगे ना तेणु गला आम से घटनास्थल को जैक परिदर्शन कर जेतेबले तथ्य नेलु तथ्य होचु या जे सेमाने मनरेगा योजना रे काम करिचंती एवं आमे समस्त जानी जे ओडिसा सारा वर्तमान मनरेगा योजना रे सेठी मशीन लगा है कि काम होचु किंतु जोठी काम भा किछि लोक काम करुचंती ये मनरेगा योजना होचु खिउदा निराकरण रो एक योजना एवं दारिद्र दूरीकरण रो एक योजना सेठी से स्थानीय महिला माने पुरुष माने दलित वर्गर से माने काम करिचंती मजूरी हिसाब रे जोटा 207 टंका दैनिक मजूरी पाइबा कथा एवं ये कोविड समय रे तांकु एक्स्ट्रा जोटा एप्रिल मे जून मासरे ओडिसा रे आउरी अधिक 50 टंका तांका मजूरी मिलिबा कथा 257 टंका मजूरी पाइबा कथा तांको अकाउंट को दैनिक मजूरी मात्र 82 टंका आसी तेणु तारी प्रतिवाद रे तांकर उचित मजूरी पाइबा पई से माने दीर्घ 13 दिन धरिकी आज से माने आंदोलन करचंते धारणा रे बसचंती सेठिकार ब्लॉक प्रशासन नाउगांर
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଏ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ତିଆରି କରି ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମର ଗଲା ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଆମର ସେଠିକା ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଳକାଟି ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଦିବାକର ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସାତ ଦିନ ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଗଲା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏସ୍ପି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆସାମୀମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଏ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର ଉପରେ ହୋଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ଏବଂ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକର ଯେଉଁ ପରିବାର ସେମାନେ ବାଳକାଟି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ବଳିଭଣ୍ଡା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି। ସେଠି ଇଏ ଦଳିତ ପରିବାରଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବୋଧହୁଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆସାମୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଖଲାସ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଆସାମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିବାଦରେ ସେମାନେ ବିଚରଣ କଲାବେଳେ ଏବଂ ପୁଣି ସାନି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନବମୀ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେଠିକାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦଳିତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଇଏ ସରକାରଟି ହେଉଛି ଏକ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଏବଂ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ଚାପା ଆଗରେ ଇଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିରପେକ୍ଷତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦଳିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାପ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଳକୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ କଳର ଚାପ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚାପ ବାଗରେ ଇଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆସାମୀମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଆଜି କେବଳ ବିଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସାନି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜିର ଇଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଯଦି ଇଏ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉନି
ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ ସମାଜ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡିଜିଙ୍କି ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନରେ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଘଟଣା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର, ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରାତି ଅଧିଆ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଓଟରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଖୋଦ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଲଗାତାର ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କରିସାରୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।